दोस्तों, प्यारी सी गुड मॉर्निंग विकास की तरफ से, और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है विकास व्यू। तो आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे जहाँ पे हम अपने सारे खेत देखेंगे, मतलब जो ताऊ जी वगैरह जितने भी सबके हैं ना, सारे खेत देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो पहला है ये है भग्गू दीदी का खेत। तो इसमें अभी कुछ नहीं करते ना, खेती वगैरह, सिर्फ घास है, कभी आते हैं घास काटने के लिए। और शेरू हमारे साथ आया हुआ है आज, तो इसी तरह के नज़ारे के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और व्यू देखो दोस्तों, पीछे जो वेदर है और जो व्यू है ना, आज बहुत प्यारा है। कल बारिश की वजह से कहीं निकल नहीं पाए थे, बट आप आज का ये व्यू देखो। और शेरू भी साथ में चलते हुए, ओके। तो वो नीचे पे जाना है हमको, जो मेरी उंगली के बीच से देखो जो ये रास्ता गुजर रहा है ना दोस्तों, हमको वहाँ पहुँचना है। आज का हमारा टास्क है वहाँ पहुँचना, तो वहाँ पहुँच के मैं आपको मिलता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है जंगलों का रास्ता, और यहाँ शेरू हमारे साथ चलता हुआ, और ऐसे रास्तों से होके हमें गुजरना पड़ता है। मतलब हमें तो क्या, जो यहाँ के गाँव के लोग हैं वो इतना आते हैं यहाँ से, घास काटते हैं, फिर सर में ढोके ऊपर जाते हैं, और कभी कभी रुपाई वगैरह लगती है जैसे कि आप वीडियो में देखोगे। तो इतना दूर आना पड़ता है बिना खाए, वो भी खा के आते हैं शायद लंच वगैरह। ये देखो पूरा जंगल ही जंगल, पहाड़ों के बीच में इस वादियों के नज़ारे के लिए हम नीचे उतर रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए ताकि आप डिजिटली ये सब चीज़ें देखते रहें, इसलिए हम आपको शो कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, पूरा घना जंगल है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात तो और है, बट डिफ़िकल्ट टास्क दोस्तों उतरना नहीं है, चढ़ना है, क्योंकि यही रास्ता से होकर हमें वापस भी घर जाना है। तो अभी अब मज़ा आ रही है, बाद में यही मज़ा सजा लगेगा जब रात को तेल मालिश करनी पड़ेगी पैरों में। तो दोस्तों फाइनली ये देखो मेरे पास क्या है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पीच, और यहाँ पे बोलते हैं आड़ू। ये हमको मिले जंगलों में, जो कि हमने तोड़े जंगल से, और वहाँ से मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, अब वहाँ से हम फाइनली इस जगह पे आ गए जहाँ पर हमको पहुँचना था। बहुत मेहनत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं दोस्तों, और ये हमारा शेरू यहाँ पर डोलता हुआ आराम से खुली मैदान में मज़े लेते हुए। देखो दोस्तों ये है, और फाइनली और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बता दूँ कि ये खेत मेरा है, मतलब मेरे पापा का है ये वाला। और ये जगह का नाम है घड़बगड़, जो भी है, मतलब मैं जल्द अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, प्योर विलेज वाला नाम है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मेरे डैड का खेत है, मतलब वाह क्या जगह है दोस्तों। ऐसी जगह में एक घर बना दें फार्म हाउस टाइप, तो कितना मज़ा आएगा। और इंटरेस्टिंग बात, आपको एक आवाज़ अलग सी आ रही होगी साउंड, इसके नीचे पता है दोस्तों एक नदी भी है, वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, खेतों से हमें नीचे जाना है, जो पानी की आवाज़ आ रही है यही है वो नदी दोस्तों। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये दीदी और मैं आड़ू भी खा रहे साथ में, और नदी देखो दोस्तों आप, मतलब एक अलग ही मज़ा है यहाँ पर, मतलब इतना मज़ा और इतना ठंडा पानी है ना दोस्तों, कसम से बता रहा हूँ, अगर आईफोन होता या कोई ऐसा कैमरा होता वाटरप्रूफ वाला, तो मैं डूब जाता, मतलब तैरने के लिए तैरने के लिए डूब जाता, और आपको व्यू दिखाता नीचे का। आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ दोस्तों, आप पूरा नदी का नज़ारा देखो, और ये लोकेशन का नज़ारा देखो। ये है दोस्तों नदी, आप देखो जो व्यू है दोस्तों, बादल देखो क्या मस्त है। और ये हमारा शेरू जो हमारे साथ साथ इतना दूर तक आ गया, मतलब ये हमें अकेला छोड़ता ही नहीं है, इतना प्यारा है ना, पानी पी रहा है बेचारे को, प्यास लग गई है। और मतलब आप इस व्यू का मज़ा लो, यहाँ दीदी आड़ू खाते हुए और मैं भी, और आप ये देखो दोस्तों, ये नदी जो है ये डायरेक्ट सरयू नदी जो बागेश्वर में बहती है उसमें मिलती है, और आगे आप देखोगे ना दो नदियों का संगम भी है, बट वहाँ तक शायद हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे कोई आइडिया नहीं है, अगर रहेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप ये देखो जंगलों के बीच में नदी, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, अरे इतना प्यारा नज़ारा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, वीडियो में अलग है, बट यहाँ की जो महसूस करोगे ना वो अलग ही लेवल है, अलग ही नेक्स्ट लेवल बोलते हैं ना, मतलब यार मज़ा आ गया सच में, मतलब पैसा वसूल जगह है दोस्तों, आप ज़रूर आना यहाँ पर, और क्या मज़ा है, मतलब सच बता रहा हूँ, अगर आज मोबाइल अच्छा होता ना और कैमरा, तो मैं डूब जाता तैरने के लिए। और ऐसे हैं, तो ये देखो दोस्तों,
मतलब मज़ा ही मज़ा है, मतलब कुछ भी गंदगी नहीं है दोस्तों। जैसे आप शहरों में देखोगे समंदर वगैरह, वहाँ पे आपको डस्ट कचरा वगैरह कितना वेस्ट पेज मिलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको एकदम नीट एंड क्लीन पानी देखो दोस्तों, पानी अब मैं डुबा नहीं सकता हूँ तुमको, वरना एकदम क्लियर है वाटर, कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो दोस्तों, यहाँ मोबाइल को बचाना भी है और आगे का भी शूट करना है, अभी हमें बहुत दूर जाना है, तो आपको देखते हैं आगे, मिलता हूँ मैं दोस्त। ये देखो दोस्तों क्या जगह है, क्या व्यू है, दिवाली थी शायद ये है वो, नहाते थे यहाँ पर, नहाते थे मतलब दीदी का जो बचपना है यहाँ पे निकला है, एक ऊपर भी है जिसमें हम नहाते थे बचपन में, ज्वाला आती। गजब, ये है वो जगह, मतलब सुकून देखो दोस्तों आप, पूरा एनवायरनमेंट देखो, नदी देखो, जगह देखो, खुला मैदान है, यहाँ पे खेल सकते, पिकनिक बना सकते, कुछ भी कर सकते दोस्तों। ऐसी जगह के लिए तरसते हैं लोग शहरों में, और यहाँ देखो जगह ही जगह है, यहाँ डरते हैं लोग आने के लिए बिकॉज कुछ भी हादसे हो सकते हैं आते वक्त, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए चढ़ने उतरने का, बहुत कुछ रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारा शेरू मस्त, वो वाला तालाब जहाँ पे नहाते थे, मतलब अभी भी नहा सकते हैं ना वैसे तो, बट लेकिन अभी थोड़ा बहाव बहुत ज़्यादा है, बह जाएंगे। तो दोस्तों एक और खेत मिला दीदी का यहाँ पर, मतलब ये जगह देखो आप, मतलब एकदम लाइन से ऐसे देखोगे ना पूरा, देखो ऐसे, मतलब ये है खेत, ये वाला जहाँ पे दीदी खड़ी है ये उन्हीं का खेत है। कहाँ तक है? वो वहाँ तक हमारा खेत है, यहाँ तक बैल, जहाँ पे बैल चल रहा है वो वहाँ तक, हाँ। घर से यहाँ आते थे हम रुपाई लगाने के लिए, रुपाई लगाने के लिए, गोबर फेंकने के लिए, अरे बाप रे, मतलब धान उगाने के लिए यहाँ यहाँ आते थे। अरे सोचो, मतलब इतना डिफिकल्ट काम है, इतना दूर आना ले जाना, और ऊपर से वापस घर भी ले जाना पड़ता था ना सर में रखने, वहाँ से बीज लाते थे रुपाई के लिए। ओ माय गॉड, दोस्तों देखो कितनी डिफिकल्ट है और कितनी हार्ड वर्किंग लाइफ है गांव की, मतलब मज़ा आ जाता है हमारे को। ये देखो जंगल ही जंगल है, यहाँ पे बाघ वगैरह आने का कुछ चांसेस है? यहाँ मतलब यहाँ से बहुत सारे, यहाँ पे कहीं गुफाओं में छुपे भी होंगे शायद, मे भी रात को निकलते हैं मोस्टली, तो अभी भी निकलेंगे तो ठीक है, कोई नहीं, हम आपको डिजिटली मिलवा देंगे उनसे। तो थैंक यू एंड लव यू गाइस। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर हमको एक हमारा टेम्पल मिला जो हमारे देवताओं का है, गणेटी बुबू का टेम्पल है, ये मंदिर है, और यहाँ पर हमने उनको कुछ था नहीं, आड़ू था हमारे पास, सोचा फली चढ़ा दे, और बहुत साक्षात है, मतलब बहुत मस्त है, आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर, ये एकदम बहुत सही है दोस्तों, ये व्यू देखो, पीछे नदी है, यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे खेत, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं वीडियो को यहीं इतना ही रखता हूँ, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हमें घर जाना है, थक भी गया हूँ, तो ऐसे ही बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू।